माँ कूष्मांडा नवदुर्गा का चौथा रूप है। इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति भी कहा जाता है, जिनकी मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। माँ कूष्मांडा के हाथों में कमल, चक्र और अमृत कलश सुशोभित होते हैं। वे कमलासन पर विराजमान हैं और उनके प्रकाश से चारों दिशाएं जगमगाती हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पूजन सामग्री: कद्दू, हरे पत्ते, सिंदूर, शहद, कपूर, नारियल और फूलों का प्रयोग पूजा में किया जाता है। कद्दू का भोग माँ कूष्मांडा को अति प्रिय है, जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। पूजा विधि: शुद्धिकरण और ध्यान। माँ कूष्मांडा का ध्यान करें और पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़के, इससे पूजा स्थल पवित्र हो जाता है। अभिषेक: माँ की मूर्ति या चित्र का शहद से अभिषेक करें, यह माँ की प्रसन्नता का प्रतीक है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिलाता है। सिंदूर, रोली और चावल अर्पित करें, माँ को सिंदूर, रोली और चावल अर्पित करें। इसके बाद फूल चढ़ाकर माँ से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। कद्दू का भोग लगाएं, कद्दू का भोग माँ को चढ़ाएं, जो उनके प्रिय फल के रूप में जाना जाता है। इससे माँ कूष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को निरोगी काया और दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। कपूर जलाएं, कपूर से आरती करें और माँ के चरणों में नारियल अर्पित करें। मंत्र जाप: देवी कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें और माँ से कृपा की कामना करें। आरती: जय कूष्मांडा माता, जय जग सुहावन हारी, तुझसे ही सृष्टि सजी, तू ही जीवन धारी। आरती के बाद माँ कूष्मांडा के चरणों में शीश झुकाएं और कद्दू या हरे पत्तों से माँ को प्रणाम करें। फल आशीर्वाद: माँ कूष्मांडा की पूजा से जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और ऊर्जा की वृद्धि होती है। यह पूजा मानसिक शांति और सृजनात्मकता को बढ़ाती है, जिससे जीवन में खुशहाली और प्रगति होती है।